वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज कमलेशिया। तो कैसे आप लोग? सो गाइस, इस समय मैं पहुंच गया हूँ लेह लद्दाख के नुब्रा वैली में। एंड नुब्रा वैली जो है ये एक डिजर्ट है, मतलब राजस्थान है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे पूरे रेत के टीले हैं जैसे राजस्थान में होते हैं। समझ में नहीं आ रहा हिंदुस्तान को कितना समझें कितना नहीं समझें। अभी आप देख, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पीछे आप देख रहे हो वाइट पहाड़, ये पूरे बर्फ के पहाड़ हैं। वहीं सामने ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पूरी रेत है, ये पूरी रेत पड़ी हुई है, रेत के पहाड़ है। और यहाँ पर ऊँट भी होते हैं, जैसे रेगिस्तान में ऊँट होते हैं ना वैसे, तो यहाँ पर ऊँट होते हैं दो ऊँट वाले। ये देखो इनको दो दो ऊँट दिख रहे हैं आपको पोस्टर में, इनके दो दो कुंवर होते हैं। तो यहाँ पर नुब्रा वैली के अंदर इन दो कुंवर वाले ऊँटों की सवारी की जाती है, यहाँ पर राइड होती है। उनका टाइमिंग दिया हुआ है, टाइमिंग 9 AM to 12 PM, 3 PM to 6 PM एंड सेंट्रल एशियंस कैमल सफारी कैंप अंडर नुब्रा ले लद्दाख। तो ये नुब्रा वैली है बॉस, बहुत ब्यूटीफुल है, जितना सोचा नहीं था उससे कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है ये जगह। हाँ, एंड यहाँ पे एक तरफ आपको बर्फ दिखाई देता है, दूसरी तरफ आपको रेगिस्तान दिखाई देता है, अच्छी खासी धूप भी है यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, रोड तो अच्छे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ एरिया है। यहाँ पर आपको इजली ATM वगैरह नहीं मिलेगा, कैश ख़त्म हो गया तो ATM नहीं मिलेगा, जैसे हमारी कंडीशन है। अभी हम लोग आए, हमारे पास में कैश ख़त्म हो गया, हम लोग ATM ढूंढ रहे थे, ATM मिले लेकिन ATM में कैश नहीं है किसी में भी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। एंड यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, कार ड्राइविंग वगैरह भी होते हैं, ऑफ रोड का बाइक ड्राइविंग राइडिंग भी होती है, उनका गेमिंग वगैरह है यहाँ पर, एंड ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और बाकी की चीज़ें वो जब 4 बजे के राइड चालू होगी तब पता चलेगा कि वो कैसे दिखते हैं कहाँ होते हैं। एंड पिछले साल लेकिन ये वाला जो डिजर्ट है बॉस, ये राजस्थान का बहुत अलग है। राजस्थान में ब्राउन कलर का होता है जो कि गोल्डन दिखता है, ये पूरा वाइट है, आप देखते हो सामने पूरा वाइट 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 वाइट, यहाँ की सफ़ेद रेत है, बट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, एंड वट मोर टू बी टॉक अबाउट द नुब्रा वैली, बहुत दूर है यार, एकदम चाइना के बॉर्डर के ऊपर आ गए हम लोग। समझ में नहीं आ रहा इतनी दूर आके कैसे क्या किया जाए। साइड से पानी बह रहा, थोड़ा सा एक नदी टाइप की पानी भी है, बर्फ भी है, रेत भी है, ऐसा लगता है उनका कोना है ये इंडिया का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ तो गए इतनी दूर, अब जो भी है चलो देखते हैं, फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से। अभी पेंगोंग लेक जाना है एंड उसके बाद में फिर बैक टू लेह एंड देन बैक टू हिंदी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कमलेश, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब करो, सी ऑन द नेक्स्ट स्पॉट, बाय बाय। तो गाइस ये है डबल कुमड़ वाला ऊँट, इसके पीछे भी एक कुमड़ है, आगे भी एक कुमड़ है जो लटक गया, उसका टूट गया है, काफ़ी वीक हो गया ये तो बेचारा, काफ़ी बुढ़ा भी लग रहा है। सो इसी ऊँट की यहाँ पर राइड करवाई जाती है, देख रहा है वो। सब उसको यहाँ पे चोट वगैरह लगी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये इसका कोमर लटक गया है, टूट गया बेचारे का कोमर यहाँ से, इसलिए डबल कोमर वाला ऊँट यहाँ पर होता है लद्दाख के अंदर। क्यूट था, बुड्ढा हो गया बेचारे के बाल भी जल गए, बुड्ढा हो गया है। सो इस ऊँट की सफारी यहाँ पर की जाती है, ये ऊँट नॉर्मली हर जगह नहीं मिलता है।